ओके हेलो, अस्सलाम वालेकुम। और ये रेडियो वाव की मेरी सेकंड ट्रांसमिशन है। मेरा नाम है फवाद जावेद और मैं आ गया हूँ लाइव अगेन। और थोड़े 1-2 मिनट रुकते हैं, लोगों को आने दीजिए थोड़ा सा, और मैं इसको अपने पेज पे भी शेयर कर देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम गाइस, सॉरी मेरा फेस, ये फेस आप देख सकते हैं, ज्यादातर उन लोगों का है और ये आंखें उन लोगों की हैं जिन जो लोग ऊबर चलाते हैं। तो क्या कर रहे हैं सब लोग? अस्सलाम वालेकुम। और मैं 1 मिनट, अगर आप लोग मुझे, मैं इसको ओके ओके अस्सलाम वालेकुम। और मैं 1 मिनट, अगर आप लोग मुझे, मैं इसको मैं इसको जरा शेयर करा दूं। शेयर टू द पेज। हेलो, ओके अस्सलाम गाइस, वालेकुम। और इसको बंद करते हैं। ओके आज मंडे है, 9 बजे। वेलकम टू माय प्रोग्राम। मैं अगेन इंट्रोड्यूस कराता हूँ, मेरा नाम फवाद जावेद है। मैं ब्लॉग्स बनाता हूँ ऑस्ट्रेलिया के लिए और इन्फॉर्मेशन बांटता हूँ उन सारे लोगों के लिए जो कि नए हैं, जो आ रहे हैं, जो आ चुके हैं और जो आके यहाँ पर खुश हैं या नहीं है, उन सब लोगों के लिए। मेरा काम सिर्फ और सिर्फ हेल्प करना है। ये पेज रेडियो वाव जिन लोगों ने बनाया है, उन सब लोगों का और हमारा मकसद सिर्फ ये है कि अपनी पाकिस्तानी और इवन इंडियन कम्युनिटी, जहां जहां हमारी ये लैंग्वेज समझी जाती है, उनकी हेल्प करी जाए। और अगर मेरी किसी वीडियो से किसी को इतनी सी भी हेल्प होती है तो व्हाई नॉट। मेरी मेरे मेरा पेज भी है, अगर आप उस पर जा सकें तो देख लीजिएगा। ऑस्ट्रेलिया मेरी नजर से, मेरे इसका टाइटल है। आज हम लोग प्रोग्राम करेंगे और आज हम लोग बात करेंगे कि जो नए लड़के आ रहे हैं उनको जॉब्स कैसी मिलती हैं। और बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं, सबसे पहला उनका जो ये काम होता है ना, जॉब मिल जाए, कुछ भी हो जाए, दुनिया की सारी टेंशन सिर्फ और सिर्फ उनकी जॉब पर। जॉब मिलेगी तो फीस होगी और जॉब नहीं है तो फिर तो स्टार्ट कैसे करते हैं? सबसे पहले आप अगर जॉब स्टार्ट करने के लिए यहाँ पर आएंगे तो आप स्टार्ट कहाँ से करना है, करना क्या है, जाना कहाँ है, किसके पास है, किससे बात करनी है, क्योंकि यहाँ 10 लोग और 10 मुंह और 10 बातें। जिसको बोलोगा वो बोलेगा वहां चले जाओ, उस रेस्टोरेंट में चले जाओ, ये चले जाओ, वो चले जाओ। सिडनी रोड, फॉकनर, ये 2 चीजें यहाँ पर आके सबसे पहले आपको सीखी जाती है। फॉकनर में जाके आप नमाज पढ़ेंगे, अल्लाह से दुआ मांगेंगे और दुआ करने के बाद फिर आप निकलेंगे सिडनी रोड पे, जहां पर सबसे ज्यादा पाकिस्तानी और इंडियन कम्युनिटी के रेस्टोरेंट्स है। वहां जाएंगे और अपनी सीवी ड्रॉप करेंगे और वो सीवी ड्रॉप करने करते आप इतना थक जाएंगे कि आप आखिर में बोलेंगे यार यहाँ जॉब नहीं मिल रही। और अगर कोई आपको जॉब दे भी देगा तो आपको 15 या 20 डॉलर के हिसाब से स्टार्ट करेगा। अच्छा, मैं स्टार्ट ये करता हूँ कि जो जो लोग ऑनलाइन आ गए हैं वो अगर आप मुझे यस लिख दें, ओके लिख दें, मैं कमेंट्स क्यों नहीं देख पा रहा उसके। 1 मिनट, मैं कमेंट्स क्यों नहीं देख पा रहा हूँ, मेरे पास कमेंट्स क्यों नहीं आ रहा है? मेरे पास कमेंट्स क्यों नहीं शो हो रहा भाई, ये क्या हो गया? एक मिनट गाइस, मैं जरा चेक कर लूँ ताकि मुझे भी पता चलेगा कौन कौन ऑनलाइन है, कौन कौन ऑनलाइन नहीं है। मुझे कमेंट्स शो हो रहे हैं लेकिन वो, हेलो, वकार अहमद, आप लोग, अच्छा मुझे आप सब लोगों से सिर्फ ये पूछना है कि जो जो अगर कोई मेलबर्न में है तो वो मेलबर्न में लिख दे, अगर कोई कराची से देख रहा है, इस्लामाबाद, लाहौर, आपने अपने शहरों का नाम लिख दे ताकि मुझे पता चल जाए कि हाँ भाई कहाँ कहाँ देख रहे हो आप। वी के, थैंक्स फॉर थम्स अप। और लेकिन मैं कमेंट स्टिल मैं देख नहीं पा रहा हूँ कमेंट्स। आई डोंट नो व्हाई मैं कमेंट नहीं देख रहा हूँ। जो जो जहां जहां से देख रहा है वो अपने शहर या मुल्क का नाम लिख सकता है तो मुझे पता चल जाएगा कि कहाँ से है। मुझे कमेंट्स नजर आ रहे हैं लेकिन वो काफी ब्लर हैं। अच्छा, बिलाल खान पूछ रहे हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अराउंड अंडर फो, एक वीजे का नाम खैर ऊपर चला गया। सो बिलाल खान, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का आपको, मैंने आपको पहले भी बोला था, अगर आप मेरे पेज पे जाएं, या सबसे दुनिया का सबसे आसान तरीका है यहाँ पर आपको पता चलने का कि इस वीजे पे जॉब्स कैसे मिलेंगी और कितनी पोटेंशियल है। आपने सबसे पहले जाना है, 2 चीजें हैं कि आप अगर यहाँ पर नए आ रहे हो तो आपको पहले चेक करना है एसओएल लिस्ट। एसओएल लिस्ट है क्या?
स्किल ऑक्यूपेशनल लिस्ट है, आपने गूगल करना है स्किल SOL लिस्ट इन ऑस्ट्रेलिया, उसमें जाके देखना जो आप जिस प्रोग्राम में आप आना चाह रहे हो उस प्रोग्राम के अंदर आपकी वो कैटेगरी लीड टू PR है भी कि नहीं, वो स्किल ऑस्ट्रेलियंस को चाहिए कि नहीं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे जो नए लड़के आ रहे हैं वो ये पूछ रहे हैं कि भाई मैंने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करना है। भाई यहाँ पर आप अपनी मर्जी से नहीं आ रहे, आपको ऑस्ट्रेलिया बुला रहे हैं, आपकी उनके उनको जो स्किल्स चाहिए वो आपको देनी है। आप अपनी मर्जी से यहाँ पे आके बोलो कि भाई मैंने, अब मैं वहां से बैचलर्स करके आया था, लाखों रुपए खर्च किया, एक यूनिवर्सिटी से पढ़ा, सब कुछ किया, लेकिन आखिर में आके यहाँ पर मैंने अकाउंटिंग में किया मास्टर्स में, क्योंकि उन लोगों को यहाँ पे अकाउंटिंग की जरूरत थी। तो गाइज मैं सबको ये बोलूंगा कि आप लोग जिस कैटेगरी में आ रहे हैं आपका जो बैकग्राउंड है, बहुत सारे लोगों को चेंज करना पड़ता है यहाँ पर। अच्छा मैं आप सब लोगों से ये पूछूंगा कि कौन कौन लोग पाकिस्तान या इंडिया में बैकग्राउंड चेंज था उनका, मतलब कि उन्होंने बैचलर्स इन बिजनेस किया है या बैचलर्स इन इंजीनियरिंग किया है और यहाँ पर आके उन्होंने चेंज कर दिया। तो आप सिर्फ अगर ये लिख दें कि मतलब आप यहाँ लिख सकते हैं कि आई चेंज इट टू अकाउंटिंग या कुछ भी आप बता सकते हैं ताकि मुझे पता लगे काफी लोगों ने यहाँ पे चेंज किया है। यहाँ प्लम्बर शाहिद खान साहब बोल रहे हैं, भाई साहब यहाँ प्लम्बर कितना काम लेता है कितना कमा लेता है। भाई देखो प्लम्बर यहाँ पे जो ट्रेड लोग हैं ना, जितने ट्रेडीज हैं वो सबसे ज्यादा हमसे ज्यादा कमाते हैं, यार अकाउंटिंग से भी ज्यादा कमाएंगे, क्योंकि उन लोगों का जो परावर है वो अपने हिसाब से, अगर उनकी अपनी कंपनी है तो वो अपने हिसाब से वो करते हैं, और कुछ घंटे के लिए वो कभी कभार 35, कभी कभी 45, 65 और आगे भी कितना भी चार्ज कर लें वो उनके ऊपर होता है। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मेरी नजर से अगर मैं ऑस्ट्रेलिया को देखूँ तो ये ट्रेड कोर्स किस लिहाज से और कहाँ जाके खड़े होते हैं। तो ट्रेड कोर्सेज में आना इसलिए फायदा है क्योंकि ट्रेड कोर्स वो सारे लोग जो कि यहाँ पर आके अकाउंटिंग और IT में कर रहे हैं वो ट्रेड कोर्स में नहीं जा रहे, ट्रेड कोर्स यहाँ ऑस्ट्रेलियन करता है वो डिप्लोमा पे आके रुक जाता है। हाँ इन लोगों को और ट्रेड कोर्स की, ट्रेड वाले लोगों की जरूरत है, जैसे कि मैंने पिछले उसमें भी बताया था नर्सिंग का, नर्सिंग की 16,000 सीटें हैं। कोई मुझसे आज तक ये नहीं पूछ रहा कि भाई नर्सिंग का कैसे करना है, कहाँ करना है, 7 ईच लेके आओ और नर्सिंग में एडमिशन लो, अगर 2 साल में PR नहीं आए तो मेरे ऊपर यहाँ पर बता देना मुझे कि भाई मेरी PR नहीं है। मेरी आंखें बिल्कुल लाल हो रही हैं और रात भर ऊपर चला गया मैंने, मुझे कमेंट्स नजर नहीं आ रहे हैं भाई। तो इलेक्ट्रिकल पाकिस्तान, एक मिनट, चेंज टू प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, आई चेंज टू प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, मोहसिन चौधरी। भाई प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट मैनेजर, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर अगर आपकी PR है उस अंदर आपने चेक करना है। देखो SOLIS में आप अपनी स्किल चेक करोगे, फिर उसके बाद दूसरी आपने वेबसाइट खोलनी है, क्राइकोस, CRICOS, क्राइकोस। बहुत सारे लोगों को, अच्छा मैं ये बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया जब आ रहे होते हो आप, एजेंट आपको ये नहीं बताएगा कि SOLIS क्या है, क्राइकोस क्या होती है, क्योंकि अगर वो बता दिया तो उसको उसको कैसे पता चल वो कैसे आके पैसे कमाएगा। ठीक है मैं किसी के लिए बुराई नहीं कर रहा, मैं किसी के लिए कर रहा, लेकिन ये चीज मैंने 5 साल में खुद नोटिस की है कि हाँ भाई यार यहाँ पर भी हम चेक कर सकते थे। आने से पहले मैं अगर क्राइकोज लिस्ट चेक कर लेता या SOL लिस्ट चेक कर लेता तो मैं कभी 5 साल में आके आके अकाउंटिंग का अपने 5 साल जाया नहीं करता। खैर जो भी हुआ सो हुआ, अब मैं आपको ये बताता हूँ कि भाई ऑस्ट्रेलिया अगर यहाँ पर आ जाओ स्टार्ट कैसे करना है आपने। आप यहाँ पर आओगे सबसे पहले उतरोगे आप जाओगे फॉकनर में या नॉर्दर्न सबर्ब्स में रहोगे, क्योंकि वहां पर देसी लोग रहते हैं, पाकिस्तानी इंडियंस वहां रहते हैं, तो वहां पे आपको हलाल फूड मिलेगा, मैकडोनल्ड हलाल है, KFC हलाल है, ज्यादातर खाने के फूड हलाल है, तो लोग वहीं रहते हैं। चीप कम्युनिटी है, एक घर में 12-12 बंदा रह रहा है, एक के ऊपर एक रह रहा है, एक बंकर नीचे लटका हुआ है फिर बराबर में उसके रह रहा है, एक बाथरूम है पूरे घर में, पुराना सा घर है, जब घर में आप चलते हो तो ठक 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 आपके पाओं की भी आवाज आती है, तो इस टाइप के वहां पे घर बने हुए हैं और वहां पर आपके स्टार्ट करना है। आप जैसे बिस्तर पर सो रहे हो सकता है वो इतना शोर कर रहा होगा कि आपकी नींद पूरी नहीं होगी, तो आपने वहां से स्टार्ट करना है। फिर आप जब लड़के फॉकनर में उतरते हैं या ग्लेनरॉय या ब्रॉडमॉर्स में वहां जाके रहते हैं, उसके बाद वो आगे बढ़ते हैं सिडनी रोड में जाके जॉब्स वगैरह ढूंढते हैं। जॉब्स कैसे मिलती हैं कि सबसे बड़ा, अच्छा भाई मैं आप लोगों को ये बता दूं कि हमारी कम्युनिटी का सबसे एक दो पेजेस बहुत बड़े हैं, एक PSA है उसका मैंने लिंक दे दिया है, जिशान भाई और जो भी उन लोगों का जो जो इस पे चला रहे हैं उन लोगों का मैं शुक्रिया इस बात पे भी करूंगा क्योंकि मैंने भी उससे काफी फायदा उठाया है। किसी को कोई जॉब चाहिए और एक PCI पेज भी है, वो भी एक अच्छा पेज है, वो भी रिसेंटली अभी काफी ग्रो कर रहा है, तो इन दोनों पेजेस पे आप अपना पोस्ट लगाएं। आपको जैसे कोई सवाल है, मुझे मुझे बिलफर्ज मुझे जॉब ढूंढनी है, आप वहां अपना पोस्ट लगाएं दोनों पेजेस पे और फिर वहां पे रिस्पॉन्स देखें, क्योंकि पाकिस्तानी लोग यहाँ पे, हम लोगों के अंदर दो चीजें, एक चीज तो सबसे ज्यादा है वो माने या ना माने हमारे अंदर ईगो बहुत है, ठीक है,
हम लोग लेके आए अपनी इतनी हाई ईगो कि मैं तो मैं, लोग अपनी हेल्प किसी की हेल्प करना भी चाहते हैं लेकिन वो अपनी ईगो की वजह से रुक जाते हैं। अबे यार छोड़ इसको, क्या करूंगा मैं हेल्प करके, अबे यार ये फजूल में बात वो खाएगा। अपने अच्छे दोस्तों को देख लो, आप अगर किसी की दोस्त की हेल्प कर देते हो बिलफर्स, अब हमारी ईगो अच्छी भी है और बुरी भी है। बुरी इस सेंस में कि हम किसी को ये कि भाई मैं क्यों उसकी हेल्प करूं, मैंने उसकी हेल्प कर दी तो फिर वो आ जाएगा मेरी जगह, मैंने उसकी जॉब लगा दी तो मेरा नाम खराब हो जाएगा। मतलब हम लोग कि भाई मेरा नाम क्यों खराब हो, तो हमारी ईगो हमें मार देती है। हम जब आते हैं यहाँ पर, अब ज्यादातर लड़के लड़कियां जो यहाँ पर आ रहे हैं बिल्कुल, उनकी अगर शादियां हुई हुई हैं तो आप देखें ज्यादातर जो इंडियंस जो कपल होते हैं वो यहाँ पर आके शेयरिंग पर रह लेते हैं क्योंकि वो पैसे बचा लेते हैं, और वो काफी सारे मतलब हस्बैंड एंड वाइफ नए भी होंगे तब भी वो शेयरिंग पे किसी के साथ रह रहे होंगे। लेकिन जब हमारे पाकिस्तानी कम्युनिटी के नए नवेले शादीशुदा होते हैं उनको सब कुछ शश के चाहिए, मतलब के शश का घर, उनका अपना हाउस चाहिए, गाड़ी बाहर साफ सुथरी खड़ी होनी चाहिए, बीवी को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये बहुत अच्छी चीज भी है लेकिन नेगेटिव इंटेंस में कि लड़का बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आ जाता है। अगर कोई लड़कियां देख रही है तो भाई प्लीज माइंड नहीं करना, लेकिन जो सच बात है वो आपसे नहीं बोल रहे हैं काफी सारे लड़के, लेकिन वो अंदर ही अंदर सोच रहे हैं कि यार पर वीक पे आ रही है अभी $1,200-1,500 तो रेंट निकल जाएगा। ठीक है, रेंट से मुझे याद आया कि ज्यादातर लड़के ये पूछते हैं कि भाई अकोमोडेशन कितने की होती है यहाँ पे एवरेज। तो एवरेज अकोमोडेशन अगर शेयरिंग का मैं आपको बता दूं तो नॉर्दर्न सबर्ब्स में डिफरेंट है, साउथ ईस्टर्न सबर्ब्स में डिफरेंट है, सब जगह डिफरेंट है। नॉर्दर्न सबर्ब में ज्यादातर 200 से 300 350 शेयरिंग के अंदर होते हैं जिसमें आप अपना रूम शेयर कर लेते हो। उसके बाद सेपरेट रूम आपको मिलता है 400 से ऊपर का। तो जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं उनका दिमाग में ये होना चाहिए कि मैं 400 पर मंथ दे सकूंगा कि नहीं, मैं अपनी फीस दे सकूंगा कि नहीं। मैंने पिछले प्रोग्राम में भी बोला था भाई आप लोग यहाँ पर याद रख लो, जो नए लड़के आ रहे हैं अगर वो यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं, लेट्रोब यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं, मेलबर्न यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं, जिसकी फीस $12,000-14,000 है, आप लोग अपनी पूरी फीस नहीं कर सकते, आप लोग अपनी पूरी फीस नहीं कर सकते। मैं थोड़ा कमेंट पढ़ लूं। अब्बास इम्तियाज, यूएस सिटीजन को ऑस्ट्रेलियन सिटीजन मिल जाएगी ये बता दो, आज ही सामान पैक करके आ जाऊंगा। अब्बास इम्तियाज साहब बोल रहे हैं यूएस सिटीजन को ऑस्ट्रेलियन सिटीजनशिप मिल जाएगी ये बता दो, तो आज ही सामान पैक करके आ जाऊंगा। अब्बास भाई मैं आपसे सिर्फ ये बोलूंगा कि ये सिटीजनशिप का, देखो मैं अभी खुद वहां तक पहुंचा नहीं हूँ, तो मैं आपको बता देता हूँ, मैं विजन कंसल्टेंट के थ्रू आया हूँ। आप उसको गूगल करो और उनको ईमेल कर दो कि भाई मुझे ये सिर्फ पूछना है, तो वो आपको एक्यूरेट बता देंगे कि हाँ हो सकता है कि नहीं, वो आपका केस भी देख लेंगे। मैं आपको लिंक दे देता हूँ, मैं आपको बता दूंगा कि यहाँ चले जाओ ऐसे कर लो, लेकिन बहुत सारे लोग अपनी सिटीजनशिप यहाँ पर कन्वर्ट कराते हैं यूके से आ रहे हैं, क्योंकि यूके में एवरेज पर आवर है 6 to 8 pound और यहाँ पर एवरेज मिलता है हमें $15 to $18 जो कि उसके डबल है। और जब आप ऊबर चला रहे होते हो तो इट गोज टू अप टू 20-25 और समटाइम 30 per hour एज वेल। लेकिन फिर हमें उसके लिए चलाना कितना पड़ता है, आप मेरी शक्ल देख रहे हो, मेरी आंखें लाल हो रही है, मैंने पिछले 3 या 2 महीने से मैंने छुट्टी नहीं की है और मैं रोज गाड़ी चला रहा हूँ और अभी इसके बाद भी जाके गाड़ी चलानी है। तो अब्बास भाई अगर आप हायर हो आपको मिल सके, और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आपकी सिटीजनशिप कन्वर्ट हो सकती है, लेकिन कुछ रिक्वायरमेंट है, शायद आपको आईएलटीएस दोबारा देना पड़ेगा या पीटीई दोबारा देना पड़ेगा 7 या 8, लेकिन चेंज हो सकती है क्योंकि मेरा एक दोस्त है उसने यूके से यहाँ पे ट्रांसफर कराई है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम होती है, लेकिन आप करवा सकते हैं। ओके, नीचे और कमेंट देखते हैं ये। अच्छा मैं कमेंट इस पर नहीं करूंगा इम्तियाज भाई, आप जो भी इन्वेस्टमेंट है आप उनको ईमेल कर लीजिए, मैं आपको लिंक दे दूंगा, और अगर आप मेरे पेज पे चले जाएंगे तो उसमें आप स्क्रॉल नीचे करेंगे तो विजन कंसल्टेंट मेलबर्न लिखेंगे और उनको हम मेरा नाम दे देंगे, या आप बता दीजिए कि भाई मैंने इस लड़के के रेफरेंस से आया हूँ, तो वो आपकी हेल्प कर देंगे। मैं उनका कोई पेज बेच नहीं रहा, मैं उनको पता भी नहीं है कि मैं उनका नाम ले रहा हूँ, मैं सिर्फ इसलिए सच बता रहा हूँ आपको क्योंकि मैं उनके साथ हूँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई आज तक। अच्छा, पेट्रोल पंप कैशियर जॉब, टेल मी अबाउट दैट, पेट्रोल पंप कैशियर जॉब, टेल मी अबाउट दैट। सबसे ज्यादा लड़के जब यहाँ पर आते हैं तो पेट्रोल पंप पे काम करते हैं क्योंकि एक दफा जब वो टिल को देख लेते हैं कि कैसे यूज होता है, उसके बाद उनको पता चल जाता है कि वो टिल में काम कैसे होगा। तो अगर आपने 7-Eleven पे जो पेट्रोल पंप है वहां पे काम सीख लिया, तो आपको और जगह जितने भी 7-Eleven है ऑस्ट्रेलिया में वहां पर आपको काम का ज्यादा अच्छे चांसेस हैं, या कोई और भी जगह होगी वहां पर आपको मिल सकता है। दूसरी चीज मैं आपको सबको ये बोलूंगा कि पेट्रोल पंप पे दो चीज है, पहली तो चीज ये कि ऑनर पे डिपेंड है कि वो आपको शिफ्ट कितनी देता है। दूसरी चीज, अच्छा भाई मैं आपको इससे भी बता रहा हूँ कि मैं अपनी नजर से बता रहा हूँ कि मैं कैसे देखता हूँ पेट्रोल पंप की जॉब को। पहली बात तो ये कि जब आप रात की शिफ्ट कर रहे होते हो, डिपेंड्स विच एरिया आप कहाँ पेट्रोल पंप काम कर रहे हो। आप बहुत सारी ऐसी जगह है कि रात वाली एरिया बहुत डॉजी है,
वहां पर लड़ाई झगड़े बिल्फर्स। मैं अब भाई माइंड नहीं करना है, लेकिन मैं एक सनशाइन एरिया है, ब्रॉडमेडोज के कुछ एरियाज हैं, मेल्टन है जो कि बहुत ज्यादा पंगे वाला है। अब वहां पर अगर आप काम कर रहे हो ना, तो हर दूसरा या तीसरा बंदा या 10 में से 1 बंदा आपको जंकी टकराएगा। अब वो आप उससे किस तरह डील करते हो, अगर आपके अंदर पेशेंस है तो आप टाइम मनी और वैल्यू को दे सकते हो। आप अपनी जान वहां पर खर्च करके कि वहां खड़े हुए हो 12 घंटे की शिफ्ट कर रहे हो, और फिर आके कोई आपको कुछ बोल रहा है या आपसे कोई छीना झपटी कर रहा है। छीना झपटी होती है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपको कोई बोले यहाँ पर कि भाई ऑस्ट्रेलिया स्टिल, ऑस्ट्रेलिया इज द वन ऑफ द सेफेस्ट कंट्री ऑन द प्लैनेट, बट यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं कि सब जूत के धूल है, यहाँ पर भी एक्सीडेंट होते हैं। लास्ट रेडियो में मैंने सुना था कि एवरी ईयर ऑस्ट्रेलिया के अंदर 1,000 सुसाइड होती है, 256 या 269 लोग अभी रोड एक्सीडेंट में मर चुके हैं, और रोज यहाँ पे चोरियां भी होती हैं। तो ये वो फिगर्स हैं जो जब यहाँ पर आओगे, जब मेरी नजर से देखोगे, तब आपको पता चलेगा। ठीक है, और कमेंट्स ले लेता, कमेंट मुझे बहुत धुंधले नजर आ रहे हैं। एक मिनट, इन अप्लाई इन कोल्स करियर .com। ओके, वली खान साहब बहुत बहुत थैंक यू आपका, आपने बताया कि कोल्स में। अब देखो, बहुत सारे लोग हमारे किसी प्लेटफॉर्म पे आ नहीं सकते, वो बताते नहीं है, लेकिन अब मेरे प्लेटफॉर्म पे आके वली खान साहब ने लिखा है कि भाई कोल्स पे अप्लाई करो, वहां पे वो दे आर हायरिंग। तो थैंक यू, थम्स अप वली खान। जो बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता ना जॉब, अब मैं अगर कहीं से गुजर रहा हूँ, मैंने देखा के मार्ट पे लिखा हुआ है हायरिंग, मैं क्यों बताऊँ किसी को? अब चौड़ा चल रहा हूँ भाई, मैं क्यों बताऊँ? ईगो है ना। अब भाई एक तस्वीर खींचो, लगा दो। अब हमारे जो कम्युनिटी के पेजेस पे होता है, अक्सर कभी कभार लगा हुआ होता है, लेकिन वो आप कब देखते हो? 1 महीने में 1 दफा, मतलब 1 महीने में 1 ही दफा लगाया होगा किसी के मार्ट ने। हर जगह लगा हुआ होता है, कहीं मैकडोनल्ड पे हायरिंग है, कहीं कुछ है। तो हेल्प करने का जज्बा रखोगे तो जो ऊपर वाला बैठा हुआ वो भी आपकी हेल्प करेगा। नहीं करोगे हेल्प तो आप देखना, आज जितना आप $2,000 पर वीक भी कमा रहे होगे ना, तो वो आने से पहले ही चला जाएगा, वो दिमाग में पहले ही होगा कि ये तो बुक हो चुका है। तो हेल्प करोगे तो होगी। थैंक यू वली खान साहब। अच्छा, मैं थोड़ा सा कमेंट पढ़ लूं। अच्छा, इरफान तूर साहब पूछ रहे हैं कि कितनी मिनिमम मनी है। मैं आपको ये बता दूं कि यार मुझे 5 साल हो गए, 5 साल पहले डॉलर का रेट भी कम था, ठीक है, और 5 साल के अंदर फ्लक्चुएशन ये हुई है कि जो फीस जहां मैं पढ़ता उसकी फीस भी बढ़ गई है, और अब छोटे कॉलेज और उसमें कोर्सेज में एडमिशन भी नहीं मिल रहा होता। तो मिनिमम फीस आपको इस तरह से मैं बता दूं कि आप एवरेज 10 से 15 लाख तकरीबन पर सेमेस्टर, जो कि फर्स्ट सेमेस्टर की तो आपको देनी ही पड़ेगी यार। मुझे पता है बहुत सारे यहाँ पे मेडियोकर्स हैं, मैं भी मिडिल फैमिली क्लास से आया हूँ, लेकिन मैं ये बता दूं कि 15 लाख तो मैंने भी दिए थे यार, मुझे भी देने पड़े थे। तो मुझे पता है कि हर किसी के पास वह नहीं होते, लेकिन ये तो स्टार्टिंग है, यहाँ पे आने के लिए आपको करना पड़ेगा। और 15 लाख अगर आज आपने निकाल लिया ना, तो जिंदगी भर वो 15 लाख आप याद रखोगे, और आराम से यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में आके निकाल सकते हो अपने 5 या 10 साल के टेन्योर में। तो इट्स नॉट अ बिग डील, ठीक है, थोड़ी सी मेहनत करो। अच्छा, मुझे बहुत सारे लोग ये बोलते, सवाल पूछते हैं, अच्छा भाई मैं, मुझे ऑस्ट्रेलिया आना है, मुझे ये करना है, मुझे करना है, मैं जब मैं उनको जवाब देता हूँ तो वो फिर उसके बाद गायब हो जाते हैं। कहने का मकसद ये कि सवाल पूछ के अपने आप को बाउंड नहीं करो, आगे बढ़ो और आगे बढ़ के निकलो। घर में अगर 3 4 बहन भाई हैं, उसमें से एक को बाहर निकालो, एक एक करके बाहर निकलोगे भाई। हमारा मुल्क पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल दुनिया का सबसे खूबसूरत तरीन मुल्क है, माँ बाप बैठे हैं, दोस्त यार चाय सब कुछ चल रहा है, लेकिन जो हम वहां पर, आपको 2 चीजों में करना होगा, या तो हम हैप्पीनेस देख लें या सेटिस्फेक्शन देख लें। हैप्पीनेस आप वहां पे अपने माँ बाप के साथ हो, अपनी चिकन बिरयानी खा रहे हो, अपनी प्यारी सी चाय पी रहे हो, दोस्त यार लड़कियां दोस्त सारे हैं वहां पे, पार्टीज में जा रहे हो, हैप्पी हो वहां पे। लेकिन डीप इन योर माइंड आप ये सोच रहे हो कि यार मेरे पास पैसे नहीं है, पेट्रोल की जगह आप गैस डलवा रहे हो, अच्छे फोन की जगह आप छोटा फोन ले रहे हो, अपना घर कब लोगे, अपने लिए गाड़ी कब लोगे, ये तो वो सेटिस्फेक्शन नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में आते हो तो फिर आप हैप्पी तो नहीं होते, ये दोस्त यार यहाँ पे चाय, माँ बाप, दोस्त, बिरयानी, ये तो सब कुछ नहीं मिल रहा होता, लेकिन आप सेटिस्फाई होते हो अंदर ही, क्योंकि जब कोई माँ बाप का मसला होता है, अम्मी मैं पैसे भेज देता हूँ, ईद 10,000 इसके हैं, 10,000 उसके हैं, 10,000 उसके हैं, टक, ये सेटिस्फेक्शन है। अब ये आप डिसाइड करो, आपको हैप्पीनेस चाहिए या सेटिस्फेक्शन चाहिए। ठीक है, और कमेंट देखते हैं। अच्छा, मैं ऑस्ट्रेलिया, मेरी नजर से मुझे ये बताना है, मैं कमेंट देख लेता हूँ, उसके बाद फिर मैं आगे बताता रहता हूँ आपको ऊबर ईट्स के बारे में इंफॉर्मेशन। अच्छा, हमजा भट्टी साहब पूछ रहे हैं कि ऊबर ईट्स के बारे में, पर्थ अपॉर्चुनिटीज, अली फैसल गिलानी, वकास यू आर डूइंग ग्रेट जॉब, थैंक यू वकास भाई। अच्छा, ओके, तो
तो ये 2-3 कमेंट्स मैं ले लेता हूँ। पहले मैं ये पूछता हूँ ऊबर ईट्स का। सबसे पहले मेलबर्न में, मैं मेलबर्न में रहता हूँ, तो मेलबर्न में आपको सबको बता रहा हूँ जो मेरी वीडियो देख रहे हैं अभी भी, कोई लड़का आके यहाँ पर बोलता है कि फवाद भाई या कोई भी किसी का नाम लेके बोलता है मेरे पास जॉब नहीं, तो उसको बोलना थोड़ा सा करीब आए, उससे बोलना थोड़ा और करीब आए, और उसके कान थोड़ा सा उठा के थोड़ा हल्के से उसके लगा देना सलाह, और उससे बोलना कि तुम्हारे पास जॉब नहीं है, उसका हाथ पकड़ के लेके जाना, उसको बोलना चलो मैं ऊबर ईट्स के पास तुम्हें रजिस्टर कराता हूँ, साइकिल पे रजिस्टर कराता हूँ। मैं उन लड़कों को जानता हूँ जिन्होंने साइकिल पे ऊबर ईट्स रजिस्टर्ड कराई है, और वो 12-12 घंटे की शिफ्ट कर रहे हैं, और जब मैंने उनकी पे देखी थी पर वीक बिटवीन 1200 to 1400 डॉलर, ये मैं ऑन लाइव ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ, मैंने देखी है, ठीक है। और जो बोल रहा है कि ऊबर ईट्स में पैसे नहीं है, अगर आप एक जगह बैठे हुए ऊबर ईट्स में एक एरिया में, तो वो आपका फोन का ऐप 5 किलोमीटर कवर कर रहा है, अगर आप वहां से मूव ही नहीं हो रहे तो आपके पास जॉब ही नहीं गिरेगी, आप 12 घंटे वहां बैठ के अपना मोबाइल यूज करते रहोगे, आप कभी पैसे नहीं मिलेंगे, आपको मूव अराउंड करना है। साइकिल पर रजिस्टर कराने का मतलब ये नहीं है कि आपको वहां पे साइकिल ही चलानी पड़ेगी, बहुत सारे लोग यहाँ पे साइकिल पर रजिस्टर कराते हैं और फिर गाड़ियों में वो कर रहे होते हैं। मैंने देखा है वाइफ, हस्बैंड एंड वाइफ, एक आगे हस्बैंड गाड़ी चला, वो बाइक चला रहा है, पीछे वाइफ बैठी हुई है, दोनों ने बैग पहना हुआ है, और वो हस्बैंड ने वो कॉल उठाई ऊबर ईट्स की, वाइफ गई ऊपर जाके उसको देख के आ गई, और फिर ऐसे ही उसने ज्यादा ज्यादा डिलीवरियां करी। तो भाई करने के लिए आपको ना थोड़ा सा दिल भरा चाहिए और थोड़ी सी अपनी ईगो कम करके आगे निकलना है, तब ऊबर ईट्स में पैसे बनते हैं, और बहुत पैसा है। मेलबर्न में कोई बोले कि जॉब नहीं है तो उसको ये बोलना कि तुम्हारे पास दिमाग नहीं है, आपको ऊबर ईट जाओ अभी, जाओ इसी मेरी वीडियो देखने के बाद, कल जाओ ऊबर ईट पे रजिस्टर कराओ, अगर पैसे ना बने तो आप मुझे मैसेज कर देना, फवाद भाई मैं ऊबर ईट पे मैं पिछले एक हफ्ते से चला रहा हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है। तो ये कोई अपने आप को वो नहीं कर सकता। अच्छा पर्थ की, अच्छा पर्थ और एडिलेड, पर्थ एडिलेड डार्विन, ये सब छोटे छोटे जो शहर है उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि वहां पे जॉब ही नहीं है। अब उन जगहों पे रह के आपको 5 पॉइंट्स तो मिल जाएंगे, लेकिन वहां पर जॉब ही नहीं। मैं इसलिए देख चुका हूँ कि मैं जिन जिन जगहों पे गया हूँ आधे घंटे में वो शहर खत्म हो जाता है, आधे घंटे में शहर खत्म हो गया तो जॉब्स कैसे मिलेंगे आपको। मेलबर्न में घूमते रहो आधा घंटा तो सिर्फ यहाँ से ग्लेन रॉयस से आपको सिटी में जाने लग जाएगा एक तरफ का, और फिर ये चारों सबर्ब में घूमो, इतनी अपॉर्चुनिटीज है, इतने रेस्टोरेंट्स है यहाँ पर, जब जॉब ही जॉब है, जॉब ही जॉब है, यहाँ पे पैसे भी मिलेंगे, थोड़े कम मिलेंगे लेकिन चलते रहेगी गाड़ी, चलती रहेगी। सिडनी जाऊँ वहाँ पे कितना खचा खच भरा हुआ है, सिडनी और मेलबर्न में मैं अगर कंपेयर करूँ तो 2-3 चीजें सबसे ज्यादा स्टैंड करती हैं। सिडनी बहुत एक्सपेंसिव है, $2000 से वहाँ पे घर मिलता है छोटा, ठीक है, यहाँ पर 1500 या 1800 डॉलर में इतना बड़ा घर मिल जाएगा कि एक रूम खाली पड़ा होगा, बोलेगा कि भाई मुझे 2 या 3 लड़कों से ज्यादा नहीं रहना, इतना ऐश चल रही है। सिडनी के अंदर अगर एक कबाब मिल रहा है 15 या 18 डॉलर का, तो यहाँ पर कातिक कबाब मिलता है 8 डॉलर का, बहुत फर्क है, ठीक है। सिडनी के अंदर हर चीज क्योंकि अप क्लास है, वो सबसे वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव सिटीज इन द वर्ल्ड में आता है, मेलबर्न भी आ रहा है, लेकिन स्टिल इट्स अचीवेबल, आप यहाँ पर कर सकते हो। मैं अपनी नजर से ये इस ऑस्ट्रेलिया इस प्रोग्राम में बताऊंगा जो मैं अपनी पॉइंट ऑफ व्यू से, मैंने 5 साल गुजारा एक्सपीरियंस, अगर किसी को कुछ ऐड करना तो वो कमेंट्स में लिख सकता है, मैं कमेंट्स देख लूँ, काफी सारे आ गए। थैंक यू विजय कुमार। और ऐसे मुझे सब लोगों से सिर्फ एक एक सवाल पूछना है कि आप लोग यहाँ पर कौन कौन सी जॉब्स कर रहे हो, अगर कोई मुझे, मैं आपकी पर्सनली लाइफ में मैं इंटरफेयर नहीं करना चाह रहा, कौन कौन यहाँ पर उबर ड्राइविंग करता है ऑन द साइड और उबर ईट्स करता है, सिर्फ आप ये लिख दो उबर एक्स और उबर ईट्स, तो ताकि मुझे पता चल जाएगा कि उबर ईट्स करने वाले कौन है और उबर, क्योंकि यहाँ पे कोई भी कितनी भी 9 to 5 जॉब कर रहा हो, एलीट क्लास जॉब कर रहा हूँ मैं, ये मैं वो, फ्राइडे सैटरडे को वो डेफिनेटली ऊबर चला ही रहा होगा अक्सर, और अगर नहीं चला रहे तो भाई आप मिस कर रहे हो 500 से 800 डॉलर फ्राइडे सैटरडे का, अगर ज्यादा पैसे हैं तो फिर मैं मुझे ट्रांसफर कर दो, मैं चल आगे देखते हैं। मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि कौन कौन ऊबर चला रहा है और ऊबर ईट्स अगर आप लिख दोगे यहाँ पे, तो मैं उन लोगों को बोल सकता हूँ कि आप भाई ये ऊबर ईट्स चला रहा है, आप इससे हेल्प ले लो, कैसे रजिस्टर करना है, ऊबर कौन चला रहा है और ऊबर ईट्स कौन चला रहा है। नोमान आजम पूछ रहे हैं हाउ मच ऊबर ड्राइवर कैन अर्न, ऊबर ड्राइवर बहुत ज्यादा पैसे कमा सकते हैं भाई, माइंड नहीं करना, इतने ज्यादा पैसे के, लेकिन फिर आपको ना उसके लिए उतनी गाड़ी ज्यादा चलानी पड़ेगी, और फिर उतनी ज्यादा मैं आपको बता देता हूँ, बहुत सारे लड़के बताते नहीं है और मुझे भी पसंद नहीं है अपनी अर्निंग बताना, लेकिन अब मैं ऑनलाइन आया हूँ तो मैं पहले वही चीज करता हूँ जो दूसरों को बताऊं, उसके बाद फिर आगे चढ़ूंगा। ऊबर में डिपेंडिंग, अगर आप 12 घंटे की शिफ्ट कर रहे हो एवरी डे, तो बिटवीन 1500
$2,000 आफ्टर अपना सारा एक्सपेंस निकाल के आप अर्न कर सकते हो, 1500 to 2000। स्टूडेंट अब ज्यादा उबर नहीं चला रहा क्योंकि उसके दिमाग में आ गया कि वीवो आ गया है, वीवो में आपके आवर्स रिकॉर्ड हो रहे होते हैं। तो भाई आप लोग अगर चला रहे हो तो रुक जाओ, अपनी ऊपर अपने वीजे के ऊपर वो मत लो, रिस्क मत लो, कम चलाओ, ठीक है। तो ये आजम साहब मैं आपको बता रहा था। हाँ, सैरिश अवान टैक्स डिडक्शन है, लेकिन टैक्स डिडक्शन का मैं आपको ये बता देता हूँ कि अच्छा, बहुत सारे पूछ रहे हैं कि भाई डबल जॉब कर रहे हो तो उसके ऊपर टैक्स भी डिडक्शन है। अगर कोई ये मुझे बोलता है कि टैक्स डिडक्शन डबल हो रहा है, तो उसको ये नहीं पता कि यहाँ पर कैसे कैसे अकाउंटेंट बैठे हैं। मैं अगर आप लोगों को नहीं पता तो आप मुझे मेरे पेज पे आके मुझे इनबॉक्स कर देना, फवाद आप मुझे जिस अकाउंटेंट का बता रहे थे मैं आपको बता दूंगा उसके, आप उनके पास चले जाओ, आपका टैक्स ऐसा निकलेगा कि आप बोलोगे कि यार वो जबरदस्त। तो सबसे जबरदस्त चीज मेलबर्न की और सिडनी की है, हर चीज में जुगाड़ है यहाँ पर, ठीक है। और जिसको जुगाड़ का नहीं पता वो कंप्लेन कर रहा होता है। तो सर मैं प्लीज माइंड नहीं करेगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर ऐसे ऐसे अकाउंटेंट बैठे हुए हैं कि आप कितना कमा लो और आपका इतना सा अकाउंट टैक्स निकलेगा और वो रजिस्टर्ड होगा। आप ATO को कॉल करो, उसको बोलो ये है, वो आपको उस छोटे से अमाउंट की भी इंस्टॉलमेंट कर देगा। तो हर चीज की जुगाड़ है, लाइसेंस बनाना है, कैसे करना है, हर चीज की जुगाड़। अब प्रॉब्लम ये है कि मैं हर चीज में लाइव अब जाके बता नहीं सकता कि उसका नाम ये है, लाइसेंस की ये जुगाड़ है ये। जब आप यहाँ रह रहे हो तो ना, आपको अगर आप थोड़े से सर्कल के अंदर भी घूमोगे ना तो आपको पता चल जाएगा, अच्छा भाई ये ऐसे हो सकता है, लाइसेंस इंटरनेशनल लाइसेंस कैसे निकाल सकते हैं, ऊबर कैसे बना सकते हैं, ऊबर के अंदर लोगों ने ऐसी ऐसी चालाकियां की हुई होती है, कैसे कैसे अकाउंट बनाए हुए होते हैं वो मैं जानता हूँ। मैं 3 साल से ऊबर चला रहा हूँ और मैं आपको बता देता हूँ, मैंने ओवर 11,000 ट्रिप्स की हैं। मैं ऊबर के ऊपर अभी वीडियो भी बनाऊंगा, आप लोगों को टिप्स बताऊंगा कि ऊबर पे पैसे ज्यादा से ज्यादा कैसे कमा सकते हो, और मैं अपनी पूरा आपको ऐप दिखाऊंगा कि मैं कैसे। मैं ओवर 11,000 ट्रिप्स कर चुका हूँ और 4.86 रेटिंग है, थोड़ा थोड़ा सा ऊपर होगा ना, लेकिन वो सब करने के बाद मेरा हुलिया देखें, अभी मैं बिल्कुल डम और डल लग रहा हूँ, मेरी आंखें अभी लाल है और दिमाग मेरा सुन है, दिमाग में अभी यही चल रहा है कि रात भर गाड़ी चलानी है। तो आगे चलते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग, प्लीज मैं आपका कमेंट का जवाब नहीं दे सका, तो अगर बहुत सारे लोग मेरा पेज के एडमिन या जो भी लोग देख रहे हैं, अगर किसी को कोई जवाब दे सकता है तो उनके कमेंट के नीचे आप उनका रिप्लाई कर दें। जरूरी नहीं है कि मैं ही जवाब दूं, मेरे जो पीछे पेज के एडमिन बैठे हुए हैं उनके पास मुझसे ज्यादा या मेरी जितनी इंफॉर्मेशन है तो वो इतने एलिजिबल है। अगर आपको किसी कहीं से जवाब आ रहा है तो वो किसी अच्छी सोर्स से जवाब आ रहा है, तो आप उनकी बात सुन सकते हैं, वो ऑथेंटिक है, ठीक है। मैं थोड़ा सा कमेंट ले लेता हूँ, और 1 मिनट, कमेंट भी अभी भी मुझे बहुत बहुत लाइट कमेंट नजर आ रहे हैं, कैश इन एंड जॉब। अच्छा, वकार साहब, फिर मैं आपका एक कमेंट ले लेता हूँ। बिलाल, हाउ यू गेट ड्राइविंग लाइसेंस? 1 मिनट, MS डेटा साइंस का क्या स्कोप है? ओके, बता देता हूँ मैं। नोमान, 1 मिनट, अरे भाई 1 मिनट रुक जा, अरे 1 मिनट रुक जा यार लड़के, अरे अरे सच्चा। कैश इन हैंड, मैं बताता हूँ हाउ टू गेट ड्राइविंग लाइसेंस, 1 मिनट। अरे खैर, कैश इन हैंड का ये सिलसिला होता है, बताता कोई नहीं है करते सब है, बताता कोई नहीं है करते सब है। 20 आवर्स आपको अलाव होते हैं, अंडर द टेबल यहाँ पे काफी लोग काम कर रहे होते हैं, सिर्फ हम देसी नहीं ऑस्ट्रेलियन लोग भी कर रहे होते हैं। तो इसमें मैं ये आपको कभी भी रेकमेंड नहीं करूंगा ऑन द रिकॉर्ड के आप जाके गलत काम करो, लेकिन अगर आप वो काम नहीं करोगे तो आपकी फीस भरेगी नहीं। तो आपको अपनी फीस भरनी है या घर वालों से फोन करके $10,000 मंगाना है, ये आपके ऊपर। तो समझदार लोग हैं वो समझ जाएंगे, और जो नहीं समझदार हैं वो अभी भी पूछ रहे होंगे कि भाई कैसे होगा क्या होगा। कैश इन हैंड में आपको पैसे कम मिलते हैं, लेकिन वो पैसे पैसे आपकी जेब में आते हैं, आप उस पर टैक्स नहीं देते, वो बंदा भी टैक्स नहीं दे रहा जो आपको पैसे दे रहा है और आपको भी टैक्स नहीं देना। तो ये मैं सारी अपनी नजर से, अपने परसेप्शन से, अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। बहुत सारे लोग बोले कि भाई तू गलत काम क्यों बता रहा है, गलत क्यों कर रहा है। अगर कोई यहाँ पर बंदा आए, मैं फिर ऑन द रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, उसकी $16,000 फीस हो, उसके ऊपर 20 आवर्स की लिमिटेशन लगी हुई हो, और वो बोले कि मैंने आज तक 1 रुपया घर से नहीं मंगाया, तो मैं ऑन द रिकॉर्ड बोल रहा हूँ कि वो झूठ बोल रहा है। आप कैलकुलेट कर लो, आप कमा ही नहीं सकते $20 फॉर अ वीक, इन अ वीक, और अपनी $16,000 फीस पर सेमेस्टर नहीं निकाल सकते। सच बोलने के लिए भी अंदर से सच निकालना चाहिए, ताकि आप को पता लगे कि हाँ भैया मैंने ये किया है, मैं उस दलदल में जाके आया हूँ, फीसें भरी हैं अपनी। अच्छा, और आगे चले जाते हैं।
टेल मी अबाउट द बायोटेक्नोलॉजी। भाई देखो यार, फिर मैं आपको बोलूंगा बेहजाद कुरैशी, बायोटेक्नोलॉजी स्टडी, मैं अकाउंटिंग का हूँ। मैं आपको फिर दो लिंक बता देता हूँ, मैं आपको बोलोगे तो मैं लिंक इधर लिख भी दूंगा। SOL लिस्ट में चेक करो कि आपका वो स्किल में लिस्ट आ रही है कि नहीं बायोटेक्नोलॉजी, और फिर क्राइकोस में जाके देखो आपको वो कोर्स ऑस्ट्रेलिया में करा रहा है कि नहीं। SOL लिस्ट लिख लो अपने हाथ में, SOL लिस्ट ऑस्ट्रेलिया, मेरी स्किल आती है वहां पर उसमें कि नहीं। क्राइकोस लिस्ट, CRICO, क्राइकोस लिस्ट है, उसके अंदर आपको ऑस्ट्रेलिया का मैप बना हुआ आएगा। ये मैंने अभी डिस्कवर किया है 1 या 1.5 साल पहले। उसके अंदर आपने क्लिक करना है, उसमें देखना है कि ये कोर्स जो मैं पढ़ने के लिए आ रहा हूँ इसमें मुझे PR है कि नहीं, और वो कितने वीक का है, कितनी फीस है। यहाँ तक बता दिया। अब इसके बाद भी कोई कंसल्टेंट के पास जाके बोल रहा है कि मुझे किस में वीजा लेना है, तो फिर वो अच्छा। मैं अब जल्दी से रैपअप करूंगा। यार मैं कमेंट्स स्टिल अभी मैं कमेंट्स नहीं देख पा रहा हूँ, मुझे बहुत ब्लर कमेंट्स नजर आ रहे हैं। एक मिनट, अब तो कमेंट्स ही चलेगा। बिजनेस स्टडी डिग्री, ओके। और फिर ये न्यू कमेंट्स लिखा हुआ आ रहा है, मैं कमेंट्स ही नहीं देख पा रहा हूँ। खैर गाइस, आई एम सॉरी, मैं आपके कमेंट्स नहीं देख पा रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा ये क्या हुआ है, पहले कभी नहीं हुआ ये ऐसा। क्या हुआ है ये? खैर गाइस, हाफ एन आवर का सेशन ये था। नेक्स्ट मंडे को मैं जरूर आऊंगा आप लोगों को। मेरे पेज का लिंक है और उस पर आप मेरे व्लॉग्स भी देख सकते हैं। गाइस मैं आपको प्लीज ये रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरी वीडियोस शुरू से लेके आखिर तक देख लो, मैं व्लॉग्स भी बनाता हूँ। मेरी वीडियोस यूट्यूब पे चैनल है फवाद जावेद, सर्च कर दोगे तो फेसबुक पे भी आ जाएगा, यूट्यूब पे भी आ जाएगा। आपके 80% सवाल के जवाब उसके अंदर होंगे। उसके बाद उसका कोई कमेंट करना है तो वो मुझे देख सकता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर मेरी बात कोई बुरी लग गई हो, किसी को कुछ ऐड करना हो तो उसमें कमेंट में लिख सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो बहुत सारी जगह शेयर होगी। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, डरने का नहीं है, निकलने का है, आगे बढ़ने का है, काम करने का है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और यहाँ पर आए उन माँ बाप को खुशियां दें जो माँ बाप ने जिन माँ बाप ने आपके लिए जिंदगी भर मेहनत करी है। आज नहीं तो कल आपको उनको खुश करना है, तो थोड़ा सा अपने आप को मार के मेहनत करके आगे बढ़ने का। ना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और अपने साथियों को प्लीज हेल्प करते रहे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।